नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह और कुंभ मेला क्षेत्र से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं जय पारस टीवी के माध्यम से। प्रयागराज की इस भूमि से लगातार हम आपको कई सारी गतिविधियां दिखा रहे हैं और साथ ही साथ दिव्य संतों की दिव्य वाणी का रसपान आपको घर बैठे करवा रहे हैं। क्या है कुंभ की महिमा, क्या है तीर्थराज प्रयाग की महिमा और क्यों प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, और भी न जाने कैसे कितने इतने असंख्य प्रश्न जो आपके मन में लगातार चलते रहते हैं, उन सब प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां गंगा यमुना और अदृश्य रूप से माँ सरस्वती का मिलन होता है, वो त्रिवेणी घाट बड़ा ही दिव्य है। और इस वक्त हम एक ऐसे ही दिव्य पंडाल में उपस्थित हैं जहाँ पर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य प्राप्त करते हुए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुँचाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज की। आइए सबसे पहले महाराज श्री के चरणों में नमन करें, वंदन करें और उसके बाद प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पूज्य श्री, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। पूज्य श्री, कहा जाता है कि सेवा भाव सबसे बड़ा भाव है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं। ये बात हमारे वेदों शास्त्रों में निहित है और हमने भी इस पंडाल में आकर यही देखा कि यहाँ पर असंख्य लोग सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो आपने चिकित्सा शिविर यहाँ पर चलाया हुआ है, पूज्य श्री, इसका कैसे लाभ यहाँ पर लोग ले रहे हैं और यहाँ पर चिकित्सालय खोलने का मन में कैसे आया? इस समय हम लोग प्रयागराज कुंभ मेला के पावन धरती पर बैठे हुए संगम क्षेत्र में, एक अलौकिक स्थान है। जब माघ के महीना में मकर राशि में सूर्य आते हैं, एक मास तक 10,10,000 तीर्थ या निवास करते हैं। देवता, दनोज, किन्नर, असुर सभी आते हैं। अलग अलग तीर्थ की अलग अलग महिमा हुआ करता है, इसीलिए हम अन्य भिन्न भिन्न तीर्थों में जाकर उसका लाभ उठाते हैं। यह ऐसे एक मौका है, यहाँ आकर के पैर रखते ही, गुता लगाते ही 10,10,000 तीर्थ स्नान का पुण्य और तीर्थ शमन का लाभ यह हो जाता है कि वे तीर्थों का राजा है प्रयाग। धर्मार्थ तो काम मुक्ष चारों पुरुषार्थ तो इस तीर्थों की खजाना है, इसकी संपत्ति है, जिसको चाहिए वो ले लो। ये कुंभ मेला के पावन अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु, भक्तों, साधु महात्मा, देश विदेश जहां जहां बैठे सब कुंभ में आते हैं। अनेक वर्ष पहले हरिद्वार कुंभ की घटना चक्र है, एक दुर्घटना हुई और जहां इलाज करने के लिए कोई सुविधा नहीं था, ना शासन के पास इस प्रकार के पर्याप्त तो सुविधाएं होती हैं, ना प्राइवेट सेगमेंट में सेक्टर में भी कोई इस प्रकार की व्यवस्था होती थी। मन में विचार आया, कुंभ मेला में सभी अन्य क्षेत्र चलाते हैं, ज्ञान क्षेत्र चलाते हैं, इसकी आवश्यकता है कि मन शुद्धि ज्ञान के द्वारा होता है तो शरीर शुद्धि चिकित्सा के द्वारा ही होता है। इस बात को ध्यान में रख करके आज से 12 वर्ष पहले अर्धकुंभ के पावन अवसर पर प्रयागराज में एक हमने चिकित्सालय का आयोजन किया। वो छोटा स्तर का था, परंतु वो चिकित्सालय जब आरंभ किया, मेरा बजट भी छोटा था, ये पता नहीं था यह मरीज भी होते हैं। हम समझते यहाँ तो सब तीर्थ तो सेवन करने के लिए आते हैं, यहाँ तो सस्त होते हैं, अच्छे होते हैं, पर देखा किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, कोई जल जाता है, बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, डायरिया हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, हार्ट अटैक भी होते हैं। तो ये स्थिति को देख करके जब 15 दिन तक बड़े मुश्किल से यहाँ अस्पताल को चला पाया, फिर ज़बरदस्ती इसको बंद करना पड़ा, भाई एक योजनाबद्ध तरीका से हॉस्पिटल को संचालन करना होगा, तो बजट भी नहीं था। हमने इसके 3 वर्ष बाद ही हरिद्वार में कुंभ मेला था, उसमें एक बहुआयामी अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर, कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री, एनालाइजर, सीवी सेल काउंटर, ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि जितने भी चिकित्सा संबंधी उपकरण होना चाहिए सभी उपकरण के साथ एक बहुत बेहतरीन 50 बेड का हॉस्पिटल वह डेवलप्ड किया और लगभग 1,17,000
ओपीडी पेशेंट को इलाज दिया गया और लगभग कोई 4000 इंडोर पेशेंट को इलाज दिया गया। उससे लोगों को बड़ा लाभ मिला। मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर इस समय कुंभ मेला में यदि किसी अस्पताल में है तो पीपीएम हॉस्पिटल में ही है जो कुंभ मेला में लगा हुआ है 15 सेक्टर में। इस समय 39 डॉक्टर इस समय सेवा में बैठे हुए, मेरे प्रेमी नेमी जो डॉक्टर और अलग कह के मेडिकल कॉलेज के एचओडी प्रोफेसर तक यहाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर तक यहाँ सेवा दे रहे हैं इस कुंभ मेला में। तो ये जो कुंभ मेला का कार्य है, ये अस्पताल एक बहुत अत्यावश्यक और एक उपयोगी ये संस्थान है। इस समय ये जो पीपीएम हॉस्पिटल कुंभ मेला प्रयागराज में सेवा दे रहा है, प्रखर परोपकार मिशन हॉस्पिटल, एक कंप्लीट हॉस्पिटल है, सब कुछ फ्री है। इसमें कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री है, मैनुअल कंप्यूटराइज्ड, जिसमें एनालाइजर है, सीवी सेल काउंटर है, डिजिटल एक्सरे हैं, ऑपरेशन थिएटर है। कोई हड्डी टूट जाने का बाद जिनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, फिजियोथेरेपी का पूरा सिस्टम इसके अंदर में है। यहाँ तक क्या कोई हार्ट अटैक का पेशेंट कोई किसी जगह मेले के अंदर में यदि हार्ट अटैक हो गया तो हमें मोबाइल वेंटिलेटर इस हमारा एम्बुलेंस के अंदर फिट है, वो तुरंत पिक करेगा और उस पेशेंट को तुरंत निकटस्थ अस्पताल में पहुंचाएगा। इस कुंभ मेला के दौरान अभी तो 2 हार्ट अटैक का पेशेंट को यह इलाज दे दिए गए हैं, जो ये आए और स्वस्थ होकर रिकवरी को प्राप्त करके लुक गए हैं। ये जो चिकित्सा सेवा कहना बड़ा आसान होता है, परंतु उसको क्रियान्वित करना, उस अंजाम तक पहुंचाना बड़ा कठिन काम होता है। भगवती कृपा से मेरे जो शिष्य लोग डॉक्टर लोग हैं, बड़े उच्च स्तर के डॉक्टर हैं, जिनको शहर शासन भी बैठा नहीं सकता है यहाँ आकर के, वो अम्बेडकर सेवा दे रहे हैं, हर प्रकार के सुविधा सका सेवा दे रहे हैं। एक यहाँ भी 50 बेड का इंडोर व्यवस्था है, उसमें 12 बेड तो स्पेशल हैं, जो उस प्रकार के लोग आवे, बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, उच्च कोटि के महापुरुष है, अथवा इस प्रकार के स्थिति के लोग हैं, तो उनके लिए स्पेशल रूम भी है। कम दवाई, जितने प्रकार के दवाई यह डॉक्टर मांगते हैं, सभी प्रकार के दवाई या उपस्थित होना जरूरी है, और सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। देखिए, परोपकार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण लिख करके व्यास जी ने जब लिख दिया तो उनके शिष्य यमिनी ने पूछा, ये आपने इतना बड़ा पुराण लिख दिया, इसको पढ़ेगा कौन, इसका सार बताइए। तो सार बता देव कहते हैं, 18 पुराण लिखने के बाद मैंने तत्व सामने लाया है, 2 ही बात है, पाप और पुण्य। इसी पर चर्चा इसमें हुई। बोले पाप क्या है? बोले नीडी कोई व्यक्ति को जरूरत की आवश्यकता के आपूर्ति, वो पुण्य है, वही परोपकार है। और किसी सज्जन व्यक्ति को बिना मतलब दुख पहुंचाना, कष्ट देना, यही पाप है। इसी का चर्चा हमने किया है, इसीलिए पुराणों के 18 पुराणों के अंदर में। तो ये परोपकार का मसला है, ये अलौकिक है, अच्छा बहुत लगता है। इस मेले के अंदर में जिस समय पीपीएम हॉस्पिटल कुंभ मेला में सेवारत हो जाता है, कार्यरत हो जाता है, तो अरे सारे साधु महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं, अब कोई खतरा नहीं, प्रखर जी महाराज ने अस्पताल चालू कर दिया, इसलिए हम भी बड़े खुश होते हैं। कम से कम इस कुंभ मेला के अंदर में हर अपना अपना ढंग से कार्य कर रहे हैं, कम से कम इस विधा में ठाकुर जी ने जब इस शरीर को इस विधा के लिए तैयार किया है, तो हम इसी विधा का सेवा को देते हैं और सभी को लाभ मिलता है। या अमीर गरीब साधु महात्मा कोई भी हो, सबको फ्री सब व्यवस्थाएं होती हैं और हो रहे हैं। और भगवत से प्रार्थना करें,
लोग सब शस्त्र है, हम तो कहते कोई अस्पताल में आवे ही नहीं, परंतु जब अस्पताल किसी को बीमारी हो जाए तो क्या करेगा, उसको तो आना ही पड़ेगा, उसको आवश्यकता है। इसी कारण से इस अस्पताल को संचालित पिछले 12 वर्ष से हर कुंभ मेला में अस्पताल संचालित होता हुआ आ रहा है, एक नया विषय नहीं है। इस पीपीएम हॉस्पिटल के विषय में, बारे में या कुंभ मेला में कोई व्यक्ति अछूत नहीं है। यानी कि परोपकार के एक प्रेरणा से इस अस्पताल की शुरुआत की गई थी, और आज से नहीं, जैसा कि पूज्यश्री ने बताया, पिछले 12 वर्षों से। यानी कि पीपीएम अस्पताल कुंभ में आए हुए हर श्रद्धालु के लिए, हर संत के लिए आज एक सेवा का ऐसा माध्यम बन चुका है कि यदि किसी की तबीयत खराब हो तो आपको दूर दराज जाकर अस्पताल तलाशने की आवश्यकता नहीं है। आप सेक्टर 15 स्थित पीपीएम अस्पताल आइए और निःशुल्क सेवा को प्राप्त कीजिए, और आप देखिए कि कैसे आपको दिव्य अनुभूति होती है। अक्सर जो लोग घर पर बैठकर इस कुंभ के बारे में सुन रहे हैं वो यही सोचते हैं, सर्दी का मौसम है, जाएं कैसे, अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो हम अस्पताल कहाँ तलाशेंगे। अगर आपके मन में भी यही प्रश्न है, और मात्र यही एक प्रश्न आपको कुंभ में आने से रोक रहा है, तो फिर आपको बता दूं कि पीपीएम अस्पताल सेक्टर 15 कुंभ मेला क्षेत्र में आपके लिए तैयार किया गया है। यदि कोई भी घटना घटित होती है तो आप यहां पर आ सकते हैं और निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं। पल पल की गतिविधियों से अवगत कराते रहेंगे आपको कार्यक्रम कुंभ दर्शन में। फिलहाल के लिए दीजिए आज्ञा, और आप सबसे आज्ञा लूं, लेकिन उससे पहले पूज्यश्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। पूज्यश्री, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।